मेरे साथ बोलिए भारत माता की। मंच पर उपस्थित गुरुकुल कांगड़ी के कुलाधिपति डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी, उत्तराखंड राज्य के सम्मानित मुख्यमंत्री श्रीमान शांत समारोह में आप सभी को शुभकामना देने के लिए उपस्थित उत्तराखंड के सभी चुने हुए प्रतिनिधि, पूर्व मुख्यमंत्री, सांसद, मंत्री, विधायक और आज गुरुकुल कांगड़ी के 113वें दीक्षांत समारंभ में दीक्षित होकर समाज के अंदर जाने वाले सभी छात्र छात्राओं को मेरा प्रणाम। जय श्री राम। मित्रों, सबसे पहले मैं आप सभी को और समग्र देश की जनता को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि अगली रामनवमी में प्रभु श्री राम अपने भव्य मंदिर के अंदर अयोध्या में विराजित हो। प्रभु श्री राम के जन्मदिन के दिन ही, भैया थोड़ा दीक्षांत समारंभ है, नारे वगैरह मत लगाइए, जन्मदिन के दिन ही आप सभी यहां से शिक्षार्थी से आपका जीवन समाप्त कर दीक्षित होकर एक नए जीवन की शुरुआत करने जा रहे हैं। मैं आप सभी को बहुत बहुत अनंत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आप सभी को हमेशा पूरा जीवन गर्व रहेगा कि आपकी शिक्षा, दीक्षा और दीक्षांत तीनों गुरुकुल कांगड़ी जैसे महान संस्थान के अंदर हुआ है, जिस संस्थान को मां भारती के महान सपूत स्वामी श्रद्धानंद जी ने जिसकी नींव रखी और उस दिन से आज तक 100 साल से ज्यादा सालों तक महर्षि दयानंद के सिद्धांतों पर अक्षुण्ण रूप से यहां शिक्षा का एक अविरत प्रवाह बहता रहा। और आज जो छात्र छात्राएं यहां से दीक्षित होकर जा रहे हैं, इनको मैं किसी भी प्रकार की अलग भावना के बगैर कह सकता हूं, मेरे जैसे अनेक जीवन में गुरु आप सभी लोग इसका मौका मिला है। महर्षि श्रद्धानंद जी ने जिस गुरुकुल कांगड़ी की नींव डाली, आज वो एक महान वटवृक्ष बनकर समग्र देश और दुनिया को महर्षि दयानंद का संदेश और हमारी पौराणिक शिक्षा पद्धति को जीवित रखने के ज्योतिधर बनकर ये गुरुकुल कांगड़ी आज गौरव के साथ राष्ट्र के बीच में खड़ा है। गुरुकुल कांगड़ी का, यहां की शिक्षा पद्धति का महत्व देखकर ही महात्मा गांधी, बाबू राजेंद्र प्रसाद, हमारे उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति रहे महान शिक्षाविद सर्वपल्ली राधाकृष्णन, हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, मुरारजी भाई देसाई, अनेक महानुभावों ने इस पुण्य भूमि पर अपने पैर रखे और इस शिक्षा व्यवस्था को बल देने का काम करा है। और आज मैं आप सभी को यह भी कहना चाहता हूं
कि आप सभी के लिए और गर्व का विषय है, क्योंकि आपका जो दीक्षित होकर जाने वाला बैच, ये जो बैच है आपका, वो आजादी के अमृत महोत्सव में और स्वामी दयानंद के 200वें जन्म वर्ष के बैच है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।